नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां योगी राज में गुंडे के हौसले बुलंद। सरेआम अल सुबह हुई गोलीबारी में वृद्धा हुई घायल, हालत गंभीर। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध महिला को मारी गोली। ये पूरी वारदात हुई है वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के खजुई इलाके की, जहां वृद्ध महिला सुबह दुकान खोलने पहुंची थी। वृद्ध महिला की जनरल स्टोर की दुकान है। दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए और वृद्ध महिला को गोली मार दी, जिसकी हालत इस गंभीर होने पर उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। राजकुमार जी, माता जी, क्या हुआ? उनको गोली लगी सर। क्या कुछ विवाद वत था? नहीं, भी कोई दिख नहीं रहा है। होता तो बताते हैं हम। तो कितने लोग थे? दो लोग थे। कब हुआ घटना? ये करीब 6 बजे के आसपास। आप लोग करते क्या है? हम लोग दुकान एक लोग देखते हैं, बाकी एक लोग जमीन में काम करते हैं। कौन लोग है वो पहचान नहीं पाए? नहीं, अब वो मुँह ढके थे सब, हेलमेट लगाए थे। हेलमेट लगाए थे बाइक से? हाँ। हेलो, रामाशंकर हमारे चाची हैं। पूरी घटना सुबह दुकान खोली है, दो आदमी बाइक से आए हैं और दुकान में ही थी, तुम गोली मार दिया है। परचून की सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। हेलमेट लगाए थे, गाड़ी के प्लेट पर जो है मिट्टी लगा था पूरा, और गाड़ी नंबर नहीं पहचान पाए। किसी से? तीन बेटे इनके हैं, लेकिन किसी से कोई विवाद नहीं है। नहीं, कोई भी आपसे कोई विवाद नहीं। बच्चे वही अपने काम धाम करते हैं। इनका नाम है नारंगी देवी। सर देखने में तो तीन गोली आ रही है, अब सामने ऑपरेशन हो तो मालूम होगा कितनी गोली लगी है। सारनाथ खजुही। हाथ में लगी है, दो पेट में है। किस तरह की घटना हुई है, क्या आपने प्रथम दृष्टया देखा है? आज लगभग 6:45 बजे के आसपास दो लोग बाइक पे बैठ के आए और लगभग 70 वर्ष की महिला नारंगी, श्रीमती नारंगी विश्वकर्मा थी, वो अपनी दुकान की साफ सफाई कर रही थी, तो उनको गोली मार दी। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगा कि अभी इसमें पुलिस सभी एंगल्स पे जांच कर रही है और अभी जांच में जो निकल के आएगा वो बात होता है। कुछ विवादों का पता चला या कुछ ऐसा? अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उनको विवेचना के दौरान हम देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद बताएगा। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।